सवाल आपके मन में भी आया होगा कि यदि कावड़ समय पर शिव मंदिर तक न पहुंचे तो क्या कावड़ अधूरी मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ऐसा बहुत कम बार ही होता है कि शिव भक्त कावड़ उठाए और उसे समय पर शिव मंदिर तक न पहुंचा पाए। जब तक भोलो के शरीर में सांस है, कावड़ अधूरी रह ही नहीं सकती, या फिर रास्ते में उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए जिसके कारण वे आगे की यात्रा पूर्ण न कर सके, तब नजदीक के शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक कर सकते हैं। यात्रा पूर्ण ही मानी जाती है। समय को लेकर ज्यादातर डाक कावड़ में ही परेशानी हो जाती है, वो भी जब कावड़ियों से भरी गाड़ी भीड़ के कारण जाम से न निकल पाए। दोस्तों, अगर समय पर कावड़ किसी ऐसी परिस्थितियों की वजह से नहीं पहुंचती है जिसमें चाहकर भी कावड़िये कुछ नहीं कर सकते, तो उस कावड़ को जब भी चढ़ाया जाएगा वह पूर्ण ही मानी जाएगी। लेकिन अगर जानबूझकर या शरारत करके कोई समय पर मंदिर नहीं पहुंचता है तो उस कावड़ का कोई अर्थ नहीं रह जाता।